सुजानपुर में कोरोना काल में बेहतरीन सेवाएं देने वाले उच्च अधिकारियों, मीडिया कर्मियों और सामाजिक संस्थाओं के सदस्यों को प्रशंसा पत्र देकर सम्मानित किया गया। सबसे पहले उपमंडल अधिकारी शिल्पी वेक्टा को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। इसके बाद सामाजिक संस्था दिशा फाउंडेशन के अध्यक्ष संदीप शर्मा और उनकी टीम को सम्मानित किया गया। इस दौरान सुजानपुर प्रेस क्लब के सदस्यों को प्रशस्ति पत्र दिए गए। वहीं उपमंडल अधिकारी ने नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के पदाधिकारियों का धन्यवाद करते हुए कहा कि उनके द्वारा जो यह सराहनीय कार्य किया जा रहा है वह काबिले तारीफ है। इसके साथ ही उन्होंने अपने संदेश में लोगों से आह्वान किया कि अभी कोरोना काल खत्म नहीं हुआ है, नियमों की पालना करते रहें। नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट की ये बहुत अच्छी पहल है और इसकी हम सराहना करते हैं। कोरोना काल अभी बीता नहीं है, हम अभी भी कोरोना के पैंडेमिक से लड़ रहे हैं। मैं इस मंच से यही लोगों से अनुनय विनय करना चाहूँगी कि सावधान रहें, सुरक्षित रहें, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और हाइजीन, ये ज़रूरी चीज़ें हैं, इनको फॉलो करें। धन्यवाद। दिशा फाउंडेशन की तरफ से नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने इस कोविड पैंडमिक में जो भी वॉलंटियर ने काम किया है उसके लिए उन्होंने उनको सम्मानित किया है। और मैं आपके माध्यम से ये संदेश देना चाहूँगा आम जनता को कि अभी भी कोरोना का कहर जो है हमारे सिर के ऊपर मंडरा रहा है, तो सैनिटाइजेशन और सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पूरा ख्याल रखें। धन्यवाद। इनको हम कहते हैं कि वो यहाँ पे आए और इस सम्मान को प्राप्त करें। तो दिशा फाउंडेशन के जो सदस्य हैं कृपया यहाँ पे नहीं, मैडम आप इनको आप देंगे। तीन तो सारे हैं मैडम आपके। पड़ोसा मैडम उसको आ जाओ, पीछे आ जाओ। अच्छा मैडम ये ना इसको भी आप प्लीज तो पहले ना फोटो ले। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए सुजानपुर से गौरव जैन की रिपोर्ट।